हेलो स्टूडेंट्स, क्रेप वीव का स्टडी करने के बाद आप लोगों का रिक्वायरमेंट आया कि 12 थ्रेड पे क्रेप वीव का डिज़ाइन चाहिए, वो भी ऑन सैटिन बेस। ओके, तो लेट्स देखते हैं सैटिन बेस पे 12 थ्रेड्स का। ओके, तो क्रेप वीव बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, क्रेप वीव अपॉन सैटिन बेस 12 थ्रेड्स। ओके, तो हम 12 थ्रेड का सैटिन लेंगे। 12 थ्रेड सैटिन में मूव नंबर 5 और मूव नंबर 7 पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पे हम लेते हैं मूव नंबर 5। इसके बाद एक तो फर्स्ट व्यू हो गया हमारा 12 थ्रेड सैटिन विथ मूव नंबर 5। सेकंड व्यू हो गया हमारा 12 का 3 अप 3 डाउन, 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन एंड 1 अप 1 डाउन 12 थ्रेड्स में। ओके, तो ये डिजाइन बनाने के लिए हमें चाहिए 12 पिक, तो हम सेलेक्ट करेंगे 12 पिक। इसके बाद हमें चाहिए 12 एंड्स, तो हम 12 एंड सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा क्रेप व्यू 12 एंड्स एंड 12 पिक में। क्लियर, तो यहाँ पे आपको दो तरीके से मार्क दिख रहे होंगे, एक लाइट कलर पे, तो लाइट कलर वाले जो मार्क हैं वो शो कर रहे हैं 12 के मार्क। ओके, 12 व्यू जो हमने लिया है 3 अप 3 डाउन, 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन एंड 1 अप 1 डाउन, उसके 12 के मार्क शो हो रहे हैं लाइट कलर से। सेकेंड मार्क है डार्क कलर। ओके, तो जो डार्क कलर वाले मार्क हैं वो मार्क शो हो रहे हैं सैटिन का, ठीक है, तो सैटिन का बेस मार्क है। तो डार्क कलर से आप देखोगे तो मूव नंबर 5 से 12 थ्रेड का सैटिन बना हुआ है। ओके, इसी प्रकार 12 का आप ऑर्डर देखोगे तो 1 2 3 अप, 1 2 3 डाउन, यानी 3 अप 3 डाउन, 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन, ठीक है। तो सैटिन के बेस मार्क को लेते हुए 12 का हमने इस पर एक्सटेंशन कर दिया, जैसे हमने पहले सीखा था। तो ये हमारा 12 थ्रेड्स का क्रेप भी बन जाएगा, ठीक है। इसको चेक करने के लिए आप देख रहे होंगे जो यहाँ पे एक प्लस साइन मिल रहा है, जो डाउन मार्क्स हैं उन पे भी प्लस साइन बन रहा है, इसी प्रकार जो अप मार्क्स हैं, ठीक है, वहाँ पे भी प्लस साइन आ रहा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि कंटिन्यू आपको प्लस साइंस दिख जाएंगे इसमें। ओके, तो ये हमारा डिजाइन था 12 थ्रेड्स पे क्रेप व्यू अपॉन सैटिन बेस भी। ओके, थैंक्स।